अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कोरोना योद्धा महिलाओं का सम्मान कसरावत नगर में वेलफेयर सोसाइटी द्वारा किया गया। महिला दिवस के अवसर पर कोरोना योद्धा महिलाओं को शील्ड और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिसमें नगर की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य केंद्र की नर्स, महिला पुलिसकर्मी, महिला एडवोकेट और महिला सफाई कर्मचारी, सर्व समाज के वरिष्ठ महिलाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रेखा सोनी के द्वारा गई। मुख्य अतिथि के रूप में प्रतीक्षा जैन, डॉक्टर अनीता शुक्ला, प्रेरणा वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हेमंत सोनी और नगर की महिला शक्ति और गणमान्य नागरिक कार्यक्रम में मौजूद रहे। इसी तरह नगर परिषद कसरावद में सफाई कर्मचारी महिलाओं को शॉल श्रीफल देकर नगर परिषद ने भी सम्मानित किया। कसरावद से अकील खान की रिपोर्ट। बाबुल के आंगन की प्यारी होती हैं बेटियां, जब मेरी माँ पसंद हो तो पैदा होती हैं बेटियां, पैदा होती हैं बेटियां। और अब मैं सम्मान करूंगी उन कोरोना योद्धाओं का, उनको सच सच नमन करूंगी जिन्होंने इतनी विपरीत परिस्थिति में अपना जान को जोखिम लगा के जिन्होंने ये काम किया। आज जो ये सम्मान कर कराया गया तो कसरावद वेलफेयर सोसाइटी को मैं सच सच नमन करती। भाई 370 भी हटाई थी उनने, 3 तलाक का कानून भी हटाई थी उनने, ने कितनी कितनी योजना जो लोगों ने कभी सपना में भी नहीं सोचे तो कि ऐसा भी हो सकेगा देश में, ये सब काम कर दिखाया अपना मोदी जी ने। देखो भाई, मोदी जी का जो भी संदेश है वे तो वहीं से आर्डर भर में ही थे, पर उनके कैसे पूरा करना है, उनका नक्शे कदम पर कैसे चलना है, वो सब जो अपना कार्यकर्ता बन रहे हैं, जो जगह जगह छोटा छोटा कस्बाओं में, शहर में जो रहे हैं वही सब पूरा कर रहे हैं। तो वही यहाँ पे आप सब घना घना सौभाग्यशाली हो ने कसरावद की, और जो धरती है या घनी सौभाग्यशाली है कि यहाँ पे अपना रेखा जी सोनी आओ जा खला भैया हमारे साथ है, ये रेखा जी सोनी ने, हेमंत जी सोनी, ये घड़ो घड़ो अच्छो काम करी रहा है ने भाई। इनने कोरोना काल में भी लोगों की जितनी सेवा करी है ने, 8 साल से इनकी सोसाइटी जो है कसरावद वेलफेयर सोसाइटी वह घड़ो अच्छो काम करी रही है। दुख में मनाया जाता है या हमारे लिए सौभाग्य की बात। देखो सबसे पहले तो कहीं मैंने पैडमैन पिक्चर में काम कर रही हो था अक्षय कुमार का साथ, 12-13 दिन की शूट थी, पर गई वो कि हम जब पिक्चर एडिट होकर आई तो बिल्कुल हम तो एक तो जगह पे दिखिया तो सब लोगों ने बोले लगी गया कि भाई तुमने तो इतना दिन शूटिंग करी तुम तो बिल्कुल नहीं दिखा पिक्चर में। मैंने उनका भाई एक पहला वीडियो बनाई दिया था मालवी में, अब मालवी गई अपनी मातृभाषा है तो मन में जो भी सोचने में आए वो मालवी में ही आए अपने। मैंने सोचा कि चलो वही वीडियो अपन डाली था, हमारा छोरा ने बोली कि मम्मी बहुत अच्छा वीडियो है, तो मैंने ऐसे ही डाली थी वो वीडियो। तो पॉजिटिव है मैंने ओके कि भाई कई बातें अपन नहीं दिखिया तो नहीं दिखिया, पॉजिटिव वे में लेके ना मैंने ऐसे ही मजाक में वीडियो बनाई थी अक्षय कुमार का ऊपर, बस वही वीडियो वायरल हुई गई। और उनका बात तो अब एक का बाद एक लोगों की फरमाइश आई जाए और लोगों ने बोले कि भाभी आपको अब अगला वीडियो कब आएगा, बस यह सफर चली रही है आप सबका आशीर्वाद से और आप सबकी शुभकामनाओं। महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं महिलाओं को यही संदेश दूंगा कि देखो एजुकेशन का कंधा से कंधा मिला के चलो, आगे बढ़ो, एजुकेशन लो, खूब अच्छा अच्छा काम करो, पर ये जो नशा की आदत है नहीं जो पुरुष और देसी है वह बिल्कुल मत अपनाओ, ये अपने नहीं करना हो, अपने प्रकृति की रचना करनी है। भगवान ने अपने शरीर के बढ़ाने को काम दियो, भगवान ने संसार के बढ़ाने को काम अपने शरीर के दियो है कि नहीं, तो अपने नशा को काम नहीं करना हो, कहीं सिगरेट में दारू नहीं पीते तो आजकल कहीं छोटी छोटी छोरी और नशा करने लगे तो यो काम बिल्कुल भी मत कर दो, बस ये हमारा सादर निवेदन है। देखो प्रतीक्षा तो प्रतीक्षा कर रही थी बहुत सालों से कि भाई मालवी भाभी आएगी, तो मालवी भाभी आई गई भगवान की कृपा से, तुम्हारा तो दो ही नाम हमारे अच्छा लगे, माँ बाप ने रखियो प्रतीक्षा नाम वो भी बहुत अच्छे है ने भाई, ये जो हमारा फैंस ने पब्लिक ने जो इतना प्रेम से नाम रखियो मालवी भाभी वो भी बहुत अच्छे है, तो भगवान की घनी घनी कृपा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।